ये है कि अब आपने सदीकी साहब के दो लेटर्स पे आपने कहा कि आपने कहा कि जो दो लेटर दिखाए गए इलेक्शन कमीशन के इख्तियार नहीं थे, आपसे वो रिस्पॉन्ड कर लेंगे, बट मेरा ख्याल है कि आपसे एक सवाल पूछना है। आप तो चूंकि 27A में आए हैं, आप फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर, आप कोर्ट नोटिस पे हैं, तो आपने लॉ पे हमें असिस्ट करना है। आप ये बता दें कि जब नॉमिनेशन पेपर फाइल होती है, एक कैंडिडेट कह देता है कि मैं डिक्लेरेशन देता हूँ फलां पार्टी से हूँ, और उस पर सर्टिफिकेट भी आ जाता है, विड्रॉल डेट गुजरने के बाद क्या उस कैंडिडेट के पास ये इख्तियार है कि वो विड्रॉ कर जाए, नंबर वन, विड्रॉल डेट गुजरने के बाद, या क्या इलेक्शन कमीशन को किस कानून के तहत ये इख्तियार है कि वो कहते नो यू आर इंडिपेंडेंट? ये सवाल, क्योंकि आप अगर देखें 72 में, सेक्शन 72, कैंडिडेट के पास सिर्फ एक ही रेमेडी है कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, 74 सॉरी जी, सेक्शन 74 ऑफ द एक्ट, 72 सर, 74, 72 सर, रिटायरमेंट 72, रिटायरमेंट 72, 72 रिटायरमेंट जी। तो कैंडिडेट अगर एप्लीकेशन दे भी दे के मैं आजाद हूँ, क्या वो आजाद मींस विड्रॉइंग फ्रॉम द एफिलिएशन ऑफ दैट पार्टी, कैन ही विड्रॉ हिमसेल्फ? मैं आपको जरा कुछ थोड़ा सा ब्रीफली इस पे एक्सप्लेन करके देन आई टेक योर लीव। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। देखिए ना, सवाल ये है कि जब ये बात होती है कि वो व्हाइल वी लुकिंग एट द केस फ्रॉम वन एंड, ये सारा इलेक्शन है ना जी, पूरा इलेक्शन, पूरे इलेक्शन में हम एक पोर्शन को पकड़ लिया, हमने कहा ऐसा इसी पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं, और उनके पास रिजर्व सीट्स आती हैं। अब हम जब कंप्लीट जस्टिस की लेंस को खोलते हैं तो हम कहते हैं ठहरो ना, हम आंखें तो नहीं बंद कर सकते इस पर कि एस आई सी पे हम कहाँ से पहुँचे हैं। एस आई सी में इसलिए पहुँचे हैं कि हैड द इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड पी टी आई एज अ पार्टी विद वट एवर 2, 3, 4 कैंडिडेट, इंडिपेंडेंस वुड हैव हैड अ चॉइस दैट देयर वाज अ पी टी आई ऑल्सो। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट ऑल दोज इंडिपेंडेंट्स हैव वन द इलेक्शन बिकॉज दे हेल्ड आउट टू द पब्लिक देयर पी टी आई पीपल। All those votes were casted for these 84 people because they were PTI. It's obvious. अब having said that, now we say okay, वो सारा चीज़ जो है हमें हमने नहीं देखना एकदम, और हम ये देखने लग जाए थोड़ा सा पोर्शन, तो फिर कंप्लीट जस्टिस को और हमने क्या करना है इस क्लॉज को कि अगर हम पूरी पिक्चर ही ना देख सके, वो आपको दिखाए इसमें, ना दिखाए बट मैं ये आपको सुन लेना, कहना चाह रहे हैं कि कंप्लीट जस्टिस को क्या कहाँ लेके जाना है अगर हम ये चीजों पे आंखें बंद करने लग जाए इधर उधर और घोड़े की तरह इस तरह वो लगा के चलने लग जाए। कंप्लीट जस्टिस इज टू ब्रॉडन द विजन, सी द होल ट्रांजैक्शन। अटॉर्नी जनरल विद द लिमिटेशंस, अटॉर्नी जनरल जी साहब, आपने शायद वो तस्वीर देखी है जो जज की आंखों पे पट्टी होती है, एडिंग ये नहीं होती, एडिंग टू व्हाट माय लॉर्ड जस्टिस मंसूर अली शाह हैज जस्ट स्टेटेड, व्हाट यू हैव आर्ग्यूड इज इन अदर वर्ड्स यू आर आस्किंग दिस एपेक्स कोर्ट वेस्टेड विद ज्यूरिसडिक्शन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शंस एज वेल, that only look at 185, and thus what would be the effect? The effect would be during these proceedings one thing has become absolutely obvious, that there has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. So now indirectly this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. Now this is not an ordinary 185 litigation, it relates to the rights of the people, particularly those who by now is very clear have been disfranchised by an unconstitutional interpretation by a constitutional body, and you want this court to validate it. And adding to that, I mean, all we want to say, adding to that, this is not a case ke patwari ne zameen kisi ki inter party le li hai to humne kaha 185 mein dekhna hai, wo order aapne challenge nahi kiya, aap nahi kar sakte. This is not that. Please try to look at this as an election matter, which is perhaps something that one has to look into. It's a sui generis, it's a different kind of set of proceedings. Go under 185. We're looking at the electorate, we're looking at the national elections, we're looking, I mean, the apex court, national election, the electorate, the millions of people who voted,
What I find very difficult is to look one segment of the election and ignore a very grave illegality that occurred just a minute before it, which led to that problem. So can we not attend it and close our eyes to it? Because if you open your eyes to it, all you have to do is that if three persons, according to the record, if ECP checks, PTI becomes a party of three members of four. And then there is a party on the table, and then the independents have a choice to take their vote. Everything falls in place. So if that is not what justice is, I don't know what justice is. My Lord, since a lot has been said from this side, and since I may not subscribe to a number of things that don't expect this, justice, we all want justice, but it's a very elusive concept. If you go on personal justice, my concept may be different from your concept. Someone may be in favor of capital punishment, someone may be against it. On a justice principle, do we apply justice principles? We apply the law and the constitution provisions. Now, read all the judgments of this court, which introduced the doctrine of necessity, and all of them rely upon the justice principle. Les populi, Kensel's pure theory of law. This is actually they had lost the thing of the people. Every judgment has been based on premise. If they had simply followed the constitution and said, this is not permissible, you cannot take over, you cannot send elected representatives home, that would be the letter of the constitution. I'm not even going to the spirit of the constitution. When judges, some of them may have great wisdom, I am not one of those, say, forget what the constitution say, there is this one word, justice, and I'm going to erect an edifice on the basis of this one word, then we might as well do away with the constitution, because we are now imposing our vision on the nation. We are imposing what the constitution says. Hang on, constitution makers, you didn't quite get it right. We know what justice is. We are imposing our will on parliament. When we go into these vague concepts, we get into all sorts of troubles, which are history. It's not academic anymore. Since mention was made of doctrine of necessity, it was on these very principles. When they can't find anything tangible to hang on to in the constitution, then opens the doors, because I can define justice any way I want to, someone else will define it any other way. So are we going to have this academic, and this is not even something which has really been argued, and I don't want to stick my neck out or let it come from as if it's a thing of the court saying this, that the doctrine of necessity was done. I think on the very principle or the concept or what they borrowed, what they in their hearts or in their conscience, I would even go that far, they genuinely believed it. I wouldn't even attribute any malefide or ill intent to any of those judges. They genuinely believed it. I don't want let's Pakistan go on the constitutional path for once. London Council, I think you finished your My Lord, I have. Attorney General, you haven't answered my question. Do we validate? These are our opinions. We validate a grave constitutional violation, which has become obvious before us? That is inclusion on something. That is not premised. That is the orders having come before us. It has become obvious. Do you want to respond? We are ignoring the elephant in the room. My Lord, I will now just. There are four judgments, one authored by Justice Shah on 187, one of the bench of which Justice Munib Akhtar was part of, and two other judgments on 187. The limitations which I have placed before you in 187 is what the law, what the constitution says, how the courts have read it. If the court wishes to read it differently, it's a full court, the court can. I'm placing these four judgments before you. Put on what principle? Just tell us the principle. Four, sir. Are they on the same principle or different principle? Which I've just read out while explaining 187, that it's a power, not a jurisdiction. There has to be a list before your lordship while looking at, you should be leased with the seize of the list while applying 187, but you cannot initiate independent proceeding by invoking 187 beyond what is before you. Yes. With that, I will conclude my submission. Thank you. Attorney General, sir.
my question, what would happen to those independent candidates who have not joined, neither joined any parliament party or nor political party? What would happen to those independent candidates? वो independent रहेंगे तरह वो जबकि law कहता है कि तीन दिन के अंदर उनको join करना है party. Option है sir, option है. तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो आजाद रहेंगे sir. वो यानी वो for the purposes of parliamentary party parliament के अंदर आजाद रहेंगे sir. Sorry. They will not remain independent. They have to join some political party. देखे ना law तो यही कहता है कि तीन दिन के अंदर join करो. फिर वो अब आप कह रहे हैं independent कैसे रहेगा independent वो? It's an option. मेरे the way I read it, वो एक option create कर रहा है. अगर वो option avail नहीं करते तो वो parliament में जाके as अपना independent status attorney general साहब, ये जो data इन्होंने provide किया है election commission ने CMA number 5840 of 24 में page number 19 पर seat reserved for women national assembly 17 इन्होंने नेशनल असेंबली में सीट ऑब्टेन करी है और 10 इनको मिल गई हैं रिजर्व सीट्स, तो इनकी 27 सीट्स हो गई हैं. पीपल्स पार्टी ने एक ऑब्टेन करी है, 2 इनको बोनस में सीट्स मिल गई हैं, 3 हो गई. इसी तरह से सबसे बुरी सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में है जहां मुस्लिम लीग ने 36 सीटें ऑब्टेन की हैं और उनको 21 सीटें मिल गई हैं रिजर्व सीट्स. इसी तरह से पीपीपी ने 3 सीटें ऑब्टेन करी हैं, 1 उनको बोनस में मिली है, पीएमएलएन को इस तरह से मिली है 1 सीट, 2 उन्होंने ऑब्टेन करी हैं. और यहाँ पर जो और सूरत हाल है नॉन मुस्लिम की, जेयूआई पी की 0 सीट्स थी, उनको 2 सीट्स मिली हैं नॉन मुस्लिम्स की. ये और जिन्होंने कोई आप कहाँ देख रहे हैं सर? ये पेज नंबर 20 पे 580 पे जो सीट्स एलोकेशन है रिजर्व सीट जो ऑब्टेन करी नॉन मुस्लिम्स की. जी नॉन मुस्लिम्स की खैबर पख्तूनख्वा में 0 सीट्स. जेयूआई मुस्लिम्स की तो रिजर्व सीट फॉर नॉन मुस्लिम प्रोविंस में तो नहीं होती है सर. इसमें 2 सीटें इन्होंने ऑब्टेन करी, वो फिर वुमेन की होंगी. नॉन मुस्लिम्स तो सिर्फ नेशनल असेंबली में होती है. जितनी सीट उनकी नहीं है उनसे डबल ट्रिपल उनको मिल रही है, 3 गुना ज्यादा मिल रही है. एक फारसी का एक मकोला है जी साहब. जी जी सर. हिस्सा बकदर जुस्सा. जी यानी जितनी आपकी साख्त होगी उसके मुताबिक आपको मिलनी चाहिए. उससे बढ़कर एक सवाल ये आ रहा है कि मिल सकती है या नहीं. मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया था. इम्पैक्ट वाला कैलकुलेशन नहीं दिखाया. इम्पैक्ट वाला आपसे पूछा था. वो मुझे जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा था कि आपका काम ये कैलकुलेशंस करना है. नहीं, वो इलेक्शन कमीशन मुझे तो आपको रिकॉर्ड दिया मैंने. लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंस को नहीं ऐसे नहीं माई ऑब्जर्वेशन दैट एनीथिंग टू डू विद द कैलकुलेशन ऑफ सीट्स दैट इज द मैंडेट ऑफ इलेक्शन कमीशन. However, I'm not stopping you from responding to any question posed to you by a honorable member of the bench. And you said you'll take us. I did not mean it that way. And you said you'll take us to the impact. Gee, impact. You parked my question yet again and said I will answer it in the end. Madam, so the end has come. So please answer my question. End is not coming, but. Many he said so. The question, my ladyship, there were so many questions. The impact, I have not calculated. So impact, jo hai, impact, aapko calculate karke you meant to you. आप अपने डेटा पर आ जाए ना सुबह के अंदर आप उसको एक्सक्लूड करते हैं ना इस साइज ऑफ इंडिपेंडेंस को तो वो आप अगर हाउस गोज ऑरी That's the My submission is that it does not, but if you include them, then you will come to perhaps when you look at the calculations, so you will see. Because that, the whole problem stems from... One party from, might end up getting against one seat, one reserve seat for non-Muslims. You see, the problem here is that it all stems from the election commission's understanding of what is a political party and what is not a political party. They gave us their legal submissions and said that 6 elements must exist for it to be a political party. You are saying that no, those 6 elements, no, not all of them have to be there, and yet a political party which is not a political party as per their definition can become a parliamentary party. It appears to be highly confusing, and that is why this confusion has arisen, where you have over 99 independents and you have only, you've put them all out and just taken 10 into consideration. So will impact lopsided nahi ho jayega? Dekhe, aap please, agar
जब इनकी दरखास्त गई इन इंडिपेंडेंट्स की इलेक्शन कमीशन में कि हम एक्स पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दरखास्त वहां दे देते कि हम पीटीआई को ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड द इलेक्शन कमीशन हैड रिजेक्टेड दैट एप्लीकेशन एंड दे हैड कम बिफोर यू दैट द इलेक्शन कमीशन इज रिफ्यूजिंग टू अलाउ अस टू ज्वाइन दिस पार्टी एंड देन कॉन्स्टिट्यूट अ पार्लियामेंट्री पार्टी. द प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम अ कंफ्यूजन दैट स्टार्ट्स ऑन 22/12/23. आप उसके बाद ही इग्नोर दैट आ जाते हैं आपके पास, तो क्या प्रॉब्लम? आप स्टार्टिंग पॉइंट इग्नोर कर देते हैं. नहीं, मैं नहीं इग्नोर करता, वो हो गया उसका. नहीं नहीं, वो हो गया, उसके बाद भी रिमीडियल स्टेप्स हो सकते थे. दीस आर पीपल इंडिपेंडेंट्स हु आर नॉट इंडिपेंडेंट because they've held themselves out to not be independent. फिर SIC नहीं join करते, PTI कर लेते हैं. इसमें क्या problem था? Sir, पूछ सर. आप you concluded now. Yes. How long will you take in reply? Sir, 15 minutes. And anybody else? Yes. Yeah, just 10 minutes. Conclude today. So we can. Sir, आप your 10 minutes about no, one hour. No, because आज हमारी एक meeting भी है. We can. We didn't. Don't want to rush you either. We can do it on Monday. Or any other day which you want. 10 मिनट में खत्म कर लूं एंड 10 मिनट में ये आप सवाल होंगे फिर खत्म नहीं होता ना. आप मंडे को वो दूसरा केस. सर मुझे तो 15 मिनट चाहिए. आई लीव इट टू योर लॉर्डशिप. 25 मिनट सवाल आप लोग करेंगे, हम लोग भी सर सवाल पूछ लें फिर मंडे. ठीक है, मंडे को कर लेते हैं, वो आगे कर लेंगे, बात कर लेंगे. कोई और बेंच है तो ट्यूजडे कर लें. मंडे अनदर बेंच, स्पेशल बेंच. नॉट पॉसिबल दिस वीक सर. कोई प्रॉब्लम हो रहा है? इट्स अ नाइस सिटी. आई एम नाउ. ठीक है, आप ये ट्यूजडे कर लें. फैसल साहब, आपका हमेशा कोई बहाना जो है वो डोमेस्टिक होता है. Is there some domestic problem? No sir, the domestic problem is on a foreign trip. इसमें लिखिए. इन्होंने लकी है, जा सकते हैं. इसमें लिखिए लर्नेड Attorney General has concluded his submissions to come up on Monday, Tuesday, comma date डाल दीजिए, July 2024 at 11:30 AM to hear submissions in rebuttal. Yes, yes. ठीक है, ठीक. If comma, if any तो की ज़रूरत नहीं है. If any तो आप करना है. ठीक है, if any ना लिखें. How many? Thank you. Thank you, sir. Thank Now, you to your 15 minutes. I will keep myself to the okay. bench ke bare mein main nahi keh sakta sir. You've taken a dig at the end. I can see your lordship. You've taken a dig at us at the end. I can see your lordship also doesn't have a control over the thank you sir. Another dig. Thank you.